हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार राधे राधे। हेलो गोलू शुक्ला जी, नमस्कार भाई राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, बताइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार राधे राधे, जय हिंद सभी को। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पीपीटी बस आ जाए, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो रितु, हेलो भास्कर, नमस्कार नमस्कार सभी को। हेलो माही, राहुल सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हेलो हेना, हेलो यूपीएससी लवर, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट है ना, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आइए स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, आइए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार भाई सभी को, एक बार फिर से एग्जाम्पल परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया। बच्चों आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है, आज के सेशन में पहला जो करंट अफेयर्स यहाँ पे है कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अभी आपको पता होगा कि तुर्की और सीरिया में बच्चों यहाँ पर अभी भूकंप आया था जिसमें काफी लोगों की जान गई, काफी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो विश्व बैंक है इसने इन्होंने कितने सहायता धनराशि की घोषणा की है, ठीक है, इन्होंने कितने धनराशि इनको लिए अनाउंसमेंट की है। कि सर मैथ की क्लास कैसे मिलेगी? मैथ की क्लास याद रखना राहुल, ठीक है, मैथ की क्लास जो होती है ना वो शाम को होती है, एक बार आप चेक कर लेना यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है, इवेंट बना होगा करुण सर का। आइए तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों, तो 1.78 अरब डॉलर क्या होगा? 1.78 अरब डॉलर की बात करें तो बच्चों याद रखना 1.78 अरब डॉलर जो है ये सहायता राशि किसको दी गई है, तो याद रखेंगे ये तुर्की को प्रदान की गई है। किसके द्वारा दी गई है? विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नोट करेंगे जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक बना कब था? तो 1944 में बना था, और इसने काम करना कब से शुरू किया था? 1945 से काम करना शुरू किया था, और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, कहां पर? ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान इसको स्थापित किया गया था। किस सम्मेलन के दौरान? ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान याद रखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को बनाया गया था ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान, क्लियर। यहीं पर अगर देखा जाए तो इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये कौन है? डेविड मालपास जी है। क्या नाम है? डेविड मालपास ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और देखा जाए तो बच्चों इसमें टोटल कितने देश है, विश्व बैंक में टोटल कितने देश आ जाते हैं? तो याद रखेंगे 189 देश। कितने देश इसके सदस्य हैं?
189 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। और अंतिम देश कौन सा था? नौरू था, ठीक है। अंतिम देश कौन सा जो सदस्य बना है 189 नंबर वाला? तो नौरू इसका अंतिम सदस्य देश आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 बजे आपकी, याद रखना, 4 बजे आपकी शायद मैथ की क्लास है, एक बार देख लेना यूट्यूब पे, 4 बजे मैथ की क्लास है और 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग लगातार दोनों क्लासेस है, आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर कितना सहायता धनराशि दी गई तुर्की को? तो 1.78 अरब डॉलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर? तो अभी आप जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि भूकंप कहाँ पर आया था बच्चों, तो ये भूकंप अभी आपका है ना तुर्की और सीरिया में आया था। और भारत ने यहाँ पर क्या चलाया था? भारत ने ऑपरेशन मदद चलाया, ठीक है, क्या? ऑपरेशन मदद भारत ने यहाँ पर क्या चलाया है? तो ऑपरेशन मदद सॉरी ऑपरेशन दोस्त क्या था? ऑपरेशन दोस्त चलाया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद करने के लिए क्या चलाया है? ऑपरेशन दोस्त, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, क्या? भारत सरकार के द्वारा, याद रखें। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा भाई? बोर्ड क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? हमारे में तो दिख रहा है, हमारे मोबाइल में, ठीक है, हमारे मोबाइल में तो प्रॉपर बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है। आपको क्या दिक्कत आ रही है एक बार चेक करिएगा, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हमारे मोबाइल में ना बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, ठीक है। अभी हाल ही में बच्चों भारत के किस खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, ठीक है, भारत के किस खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट इवेंट में भारत के लिए क्या जीता है? तो एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इनमें से किसने जीता है? मनप्रीत कौर ने, प्रद्युमन सिंह बराड़ ने, विकास गौड़ा ने या तजिंदर पाल सिंह ने, किसने जीता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, किसने जीता? तो याद रखो जो तजिंदर पाल सिंह जी, ठीक है। शॉर्ट पुट के खिलाड़ी कौन है? तो शॉर्ट पुट के खिलाड़ी बच्चों तजिंदर पाल सिंह तूर जी हैं और इन्होंने ये जो इवेंट है ये जीता है, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है? तो याद रखना बच्चों, इन्होंने 19.49 मीटर शॉर्ट पुट फेंक के कितना? 19.49, ठीक है, 19.49 बच्चों इन्होंने क्या है, शॉर्ट पुट जो है फेंक करके इन्होंने क्या किया है, ये मतलब कह सकते हैं कि ये इन्होंने खिताब जीता है, गोल्ड जो जीता है। कितना मीटर फेंका इन्होंने? 19.49 मीटर इन्होंने, याद रखना। जैसे डिस्कस थ्रो आपने सुना होगा ना, डिस्कस थ्रो होता है, ठीक है, आपने सुना होगा किसके बारे में? जो डिस्कस थ्रो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, जैसे डिस्कस थ्रो होता है तो इन्होंने क्या जीता है? तो शॉर्ट पुट की बात करें बच्चों, तो ये भी एक इंडोर एथलेटिक्स का गेम होता है, ठीक है, ये एथलेटिक्स का एक गेम होता है जिसमें इन्होंने ये प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ये प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और ये बच्चों प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना ये भारत में हुई थी, ठीक है, याद रखना। जो ये एथलेटिक इंडोर, एशियन एथलेटिक इंडोर जो खेल चल रहा है कहाँ पर है, ये याद रखना, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें तजेंद्र सिंह जी ने ये पदक जीता है, ठीक है, गोल्ड जीता इन्होंने। आइए देखिए अगले पॉइंट पर, देखो क्या कहता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपको कल ही मैंने पूरी लिस्ट करवाई थी, ठीक है, पूरी लिस्ट तैयार करवाई थी कि 13 राज्यों के नए नए राज्यपाल बनाए गए, ठीक है, 13 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो बताओ भाई इनमें से कौन किस राज्य का राज्यपाल बन गया है, ठीक है, और इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसका कौन बना है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है इनमें से कौन बना है बताइएगा, ठीक है, चलिए आंसर करेंगे, सही बच्चे बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताओ भाई जल्दी से, है ना, कि लद्दाख का नया राज्यपाल उपराज्यपाल कौन बनाया गया, ठीक है, बीडी मिश्रा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बीडी मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बीडी मिश्रा। और ये पहले कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। कल वाली लिस्ट आप देख लेना, कल मैंने पूरा ये लिस्ट आपको तैयार करवाई थी और बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन बना है तो नोट करना, अरुणाचल प्रदेश के बच्चों जो है ना, अरुणाचल प्रदेश के जो नए एलजी साहब बन गए वो कौन, सॉरी अरुणाचल कहते हैं, अरुणाचल के जो एलजी थे बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा कहाँ के थे? अरुणाचल के थे। इनको कहाँ का बना दिया? तो याद रखना इन्हें लद्दाख का बना दिया गया। कहाँ का? लद्दाख का इनको एलजी बना दिया गया, ठीक है। पहले कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। अभी वर्तमान में इनको कहाँ का बना दिया गया? तो याद रखेंगे लद्दाख का। रमेश बैस बच्चों इनको कहाँ का चार्ज दिया गया है? महाराष्ट्र का, ठीक है। रमेश बैस को कहाँ का दिया गया? तो याद रखना महाराष्ट्र के जो राज्यपाल बनाए गए कौन बनाया गया? रमेश बैस जी को बनाया गया। किसे बनाया गया? रमेश बैस जी को, याद रखना, महाराष्ट्र का अपॉइंट किया गया, ठीक है। कहाँ का? महाराष्ट्र का इनको अपॉइंट किया गया। फागु चौहान को कहाँ भेजा गया? तो इनको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फागु चौहान को कहाँ भेजा गया है? अरुणाचल प्रदेश का इनको राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये तमाम सारे पॉइंट है जो नोट करना, कल पूरे की पूरी लिस्ट हमने आपको बताई थी, आप उनको नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, आप ये बताइएगा। चलिए
एक आंसर ये बताएगा आपकी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन बन गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन थी, अनुसुईया उइके थी, ठीक है, अनुसुईया उइके थी। छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल कौन बना है, कोई बताना चाहेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन बना है बताया। हाँ, पहले बिहार के थे ये फागु चौहान, पहले कहाँ के थे, बिहार के थे, ठीक है, पहले कहाँ के थे, बिहार के थे फागु चौहान। बताओ भाई छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन बना है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन बना है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने, ठीक है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अभी सभी प्रारूपों से घोषणा कर दी है रिटायरमेंट की, मतलब कि इन्होंने बोला कि अब हम नहीं खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय अपने करियर से संन्यास ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि पहले कहाँ के थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया कविता, बिश्वभूषण हरिचंद्रन को नया राज्यपाल बनाया गया छत्तीसगढ़ का, जो पहले कहाँ के राज्यपाल थे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे बिश्वभूषण हरिचंद्रन जी, उन्हें याद रखना, छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। आइए देखें तो यहाँ पर किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो बच्चों इयान मॉर्गन, क्या इयान मॉर्गन की बात कर लेते हैं, तो नोट करेंगे इयान मॉर्गन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, कहाँ के खिलाड़ी है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और याद रखना ये अभी इन्होंने संन्यास ले लिया, और ये दो देशों से खेलने वाले, याद रखना इंग है ना, ये दो देशों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, क्या है, ये दो देशों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। पहले ये आयरलैंड से खेला करते थे, किससे खेलते थे, ये आयरलैंड से खेला करते थे, ध्यान रखना, ठीक है, ये आयरलैंड से खेला करते थे, साथ साथ में फिर ये आयरलैंड को छोड़कर कहां आ गए, ये इंग्लैंड खेलने लगे, ठीक है। तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, कौन है, तो याद रखना आपके, है ना, ये इयान मॉर्गन है, कौन है, इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के, पहले कहां से खेला करते थे, ये इंग्लैंड से खेला करते थे, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी देखा जाए तो कामरान अकमल, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है, तो पाकिस्तान का बच्चों कामरान अकमल, ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, और नोट करना यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अभी रिसेंट के ही पूछे जाएंगे। तो कामरान क्या नाम था, कामरान, इनका नाम क्या है, तो नोट करेंगे कामरान, ठीक है, कामरान अकमल, कामरान अकमल, बच्चों याद रखना अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। साथ में एरोन फिच, ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ऑस्ट्रेलिया के, नोट करना एरोन फिच, ठीक है, और ये कैप्टन रह चुके हैं, एरोन फिच क्या रह चुके हैं, तो बच्चों याद रखना ये एरोन फिच ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा मुरली कार्तिक, ध्यान रखना भारत के कौन है बच्चों, तो याद रखना भारत की तरफ से किसने संन्यास ले लिया, तो आप जानते जोगिंदर शर्मा, किसने ले लिया, जोगिंदर शर्मा, जो कि कौन थे, याद रखना 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले, ठीक है, 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप था, कौन सा, जिन्होंने के अंतिम ओवर में गेंदबाजी की होगी, अगर आप लोग 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखिएगा, उसमें आपको कौन मिलेगा, जोगिंदर शर्मा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने की वर्ल्ड कप जिताया था, मिसबाह उल हक को आउट कराया था, श्रीकांत के हाथों कैच करवाया था, तो जोगिंदर शर्मा ने अभी हाल ही में क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो याद रखना ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए, है ना, कौन खिलाड़ी ने ले लिया, तो जोगिंदर शर्मा, है ना। हाँ मुरली विजय ने भी लिया है, बिल्कुल लिया है, कई सारे खिलाड़ी लेते रहते हैं, पर इनको आप ध्यान रखना, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते आगे, ठीक है, जोश बटलर बच्चों याद रखना ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी, बेन स्टोक भी ये है, जो रूट भी, सब कहां के, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते अगले पॉइंट पर, ठीक है। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किसने, किस टीम ने लिया है, चलिए, इन्हें काफी ज्यादा अमाउंट पर खरीदा गया, ठीक है, इनको काफी ज्यादा अमाउंट पर खरीदा गया है, और बाकी आप खुश भी थे, कल आपने देखा होगा जब, है ना, कल आपने देखा होगा जब ऑक्शनिंग चल रही थी, तो ये सब ये लोग टीवी पे देख रहे हैं कि हमको कौन ले रहा है, कितने रुपए में इनका बेस प्राइस है। तो बताइएगा, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें बच्चों, तो स्मृति मंधाना को किसने खरीदा, ठीक है, किस टीम ने स्मृति मंधाना को खरीदा है बताइएगा, ठीक है। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट, क्या लगता है इसका राइट आंसर, स्मृति मंधाना को किसने खरीदा है और कितने रुपए में खरीदा है, चलिए बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई जल्दी सेंसर करेंगे, स्मृति मंधाना को किसने खरीदा है और कितने रुपए में खरीदा है, डी हो जाएगा, डी, अच्छा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा, ठीक है, ओके, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे खरीदा है, स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा है, ठीक है, और कोई बताना चाहेगा, बहुत बढ़िया, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इसे किसने खरीदा, तो याद मतलब याद रखिएगा स्मृति मंधाना को किसने खरीदा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, और इन्हें कितने में खरीदा बच्चों, 3.40 करोड़ में, कितने में, 3.40 करोड़ में किसने खरीदा है, तो नोट करना स्मृति मंधाना को खरीदा है आरसीबी ने, किसने, आरसीबी ने, जो अपनी महिला क्रिकेट टीम बनाई है ना, तो याद रखना बच्चों आरसीबी ने अपनी महिला क्रिकेट टीम में 3.40 करोड़ अमाउंट, ध्यान रखना क्योंकि पहली बार, ये पहली बार आईपीएल जैसे तर्ज पे महिलाओं का भी एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा, पहली बार ऐसा हो रहा है,
और जब इसमें इस तरह से ऑक्शनिंग हो रही है और महिला खिलाड़ियों को यहाँ पर खरीदा जा रहा है, तो याद रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि रॉयल चैलेंजर बंगलुरु ने 3.4 करोड़ में किसको लिया है, तो स्मृति मंधाना को किसे लिया है, तो याद रखना स्मृति मंधाना को इन्होंने लिया है, ठीक है, ध्यान खरीदा है, आई अपनी टीम में शामिल किया। और हम हरमनप्रीत कौर, देखो हरमनप्रीत बच्चों मुंबई इंडियन जो है ना, मुंबई इंडियन MI मुंबई इंडियन ने हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला टीम की ये कैप्टन है वर्तमान में, हरमनप्रीत कौर, और इन्हें कितने में खरीदा गया, तो याद रखना 1.80 करोड़ में, कितने में, 1.80 करोड़ में किसको खरीदा है, तो याद रखना हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियन ने खरीदा, किसने, मुंबई इंडियन ने खरीदा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप हमारे एग्जामपुर परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पटवारी के लिए एकलव्य बैच है जो कि 499 का आपको लॉन्च किया गया है ना, नर्मदा बैच आपके जल प्रहरी बंधक्षक के लिए, तो यहाँ पर भी 499 का आप जुड़ सकते हैं, मेघदूत बैच स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट के लिए भी 499 का, और बच्चों कालिदास जो बैच है, ठीक है, क्या कालिदास जो बैच है यहाँ पर, तो कालिदास बैच MPPSC प्रीलिम के लिए, ये 999 का है, यानी कि 999 रुपए का है, यहाँ पर MPPSC प्रीलिम की हम आपको सारी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और exam75 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, exam75 कोड इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों आप लोगों के लिए कांस्टेबल के लिए विक्रमादित्य एक नया बैच हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, विक्रमादित्य करके आप लोगों के लिए है ना, विक्रमादित्य बच्चों आप लोगों के लिए कांस्टेबल का एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं, तो ये बैच बहुत जल्दी हम आप लोगों के लॉन्च करेंगे कांस्टेबल के लिए, तो इसे आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर बताएगा कि कांस्टेबल का बैच एग्जामपुर में शुरू किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, देखा जाए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां पर किया, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, इसका उद्घाटन कहां पर किया और इसकी थीम क्या थी बताइएगा, ठीक है, एयरो इंडिया शो की बात करें बच्चों, तो ये कहां पर किया जा रहा है एयरो इंडिया शो और इसकी थीम क्या थी बताओ भाई, ठीक है, चलिए बताइएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताओ भाई, सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा। और देखो बच्चों इसका, देखो ये हो कहां रहा, पहले एयरो इंडिया शो हो कहां रहा है, ये बेंगलोर में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है, कहां पर, बेंगलोर कर्नाटक में, नोट करिएगा, कहां, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही होगा कि एयरो इंडिया शो 2023 कहां हुआ है, तो एयरो इंडिया शो ये 2023 बेंगलुरु में आयोजित किया गया, कहां पर, बेंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। अब देखो पूछा गया इसकी थीम क्या, ठीक है, तो याद रखना बच्चों थीम क्या है, द रनवे, ठीक है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो बच्चों याद रखना द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसकी ये थीम रखी गई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम रखी गई जो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, ध्यान रखना, ठीक है, और ये कौन से नंबर का बच्चों संस्करण था ये भी याद रख लेना, कभी कभार ये पूछ लेता कौन सा एडिशन था, तो 14वां एडिशन था, ठीक है, 14वां संस्करण था, ठीक है, याद रखना 14th नंबर का क्या था, ये एडिशन था, नोट करेंगे, ठीक है, कौन सा एडिशन है ये, तो 14th एडिशन है जो कि कहां पर हुआ है, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के जो एयर मार्शल है, ठीक है, यानी कि एयर प्रमुख की बात करें बच्चों, वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना के जो प्रमुख है वर्तमान में, क्या नाम है, विवेक राम चौधरी, ठीक है, क्या नाम है, विवेक राम चौधरी, है ना, नोट करिएगा, विवेक राम चौधरी अभी वर्तमान में क्या है, हमारे देश के ये वायुसेना के प्रमुख हैं। और आपसे पूछे नौसेना का प्रमुख कौन है, तो नौसेना के बच्चों प्रमुख याद रखना आर हरि कुमार जी हैं, क्या नाम है, आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार ये भारतीय सेना के क्या है, तो नौसेना प्रमुख है, ध्यान रखेंगे। और थल सेना का कौन है, मनोज पांडे जी हैं, ठीक है, थल सेना प्रमुख कौन है, तो याद रखना मनोज पांडे हमारे देश के थल सेना के प्रमुख है, ठीक है, क्या नाम है, मनोज पांडे जी हैं। और अनिल चौहान, आप सब जानते हैं CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बच्चों CDS की बात करें तो कौन है वर्तमान में, अनिल चौहान जी हैं, क्या नाम है, अनिल चौहान ये हमारे देश के वर्तमान में क्या है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत है, ठीक है, अनिल चौहान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, CDS कौन है हमारे देश का, अनिल चौहान है। और ये दूसरे नंबर के, कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर का CDS हमारे देश के अनिल चौहान जी हैं। आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखो भाई G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक है 13 से 15 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के किस शहर में
आयोजित की जाएगी, ठीक है। 13 फरवरी मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 13, आज 14 हो गई, कल 15 हो गई, कल तक ये चलेगी, ठीक है। तो बताएंगे ये मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है, ठीक है, G20, ठीक है। G20 की बात हो रही है बच्चों, G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक है 13 से 15 फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जा रही है, ठीक है। बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर, सभी बच्चे बताएंगे। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चन है, तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदौर हो जाएगा। कहाँ होगा, इंदौर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बच्चों कहाँ पर आयोजित किया जा रही है, कृषि कार्य समूह, ठीक है, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, याद रखना ये इंदौर में की जा रही है। कहाँ पर, इंदौर में नहीं, भोपाल नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, इंदौर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए G20 स्थापित कब किया गया था, तो बच्चों G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने देश आते हैं, तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। 19 देश और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 19 देश और एक क्या है, तो बच्चों याद रखना एक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आ जाता है। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के देश है। इसमें क्या आता है, यूरोप के देश आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं, तो याद रखना 27 देश हैं, ठीक है। 27 देश बच्चों यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं, 27 देश, ठीक है। तो एक ये ग्रुप आता है और 19 देश आते हैं, और ये मिलकर के क्या बनता है, G20 मिलता है, बनता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में की गई थी। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, ना इसका कोई अध्यक्ष होता पर्टिकुलर, ठीक है। जिस कंट्री में बैठक होती है वही इसका अध्यक्ष बन जाता, उसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और वही देश इसके लिए क्या हो जाता है, तो याद रखना सचिवालय के तौर पर काम करता है, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए तो याद रखना ये G20 की बात हो गई। और ये बच्चों यूरोपियन यूनियन है ना, ये कब बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन बना था 1993 में। कब बना था, 1993 में यूरोपियन यूनियन बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां मिलेगा, तो नोट करिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1993 में ये बना। और इसमें कितने देश आते हैं, 27 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। आइए देखें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, G20 समूह की बात कर रहे थे। और आप जानते हैं कि G20 2023 की बैठक कहाँ है, अपने भारत में हो रही है। और जितनी भी बैठक होगी भारत के अलग अलग शहरों में की जाएगी, ठीक है। भारत के अलग अलग शहरों में तकरीबन 60 से 70 के लगभग मीटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 60 से 70 मीटिंग कहाँ होगी, भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों में की जाएगी, ठीक है। तो 2023 भारत होगा। और अगला 2024 में कहां पर होगा, ब्राजील में। 2024 की जो G20 की बैठक होगी कहां होगी, ब्राजील में आयोजित की जाएगी। कहां पर, 2024 में G20 बैठक कहां पर होगी, ब्राजील में आयोजित की जाएगी। और 2022 में कहां पर हुई थी, 2022 में नोट कर लीजिएगा, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कहां पर, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। और बच्चों इंदौर में ही क्या हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ना, 8 से 10 फरवरी के बीच में, कहां, सॉरी 8 से 10 जनवरी के बीच में, कब, 8 से 10 जनवरी के बीच में कहां हुआ था, ये इंदौर में आयोजित किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस, क्या, प्रवासी भारतीय दिवस इसका मनाया गया था, ठीक है। हाँ, 8 से 10 जनवरी के बीच में, नोट करिएगा, ठीक है। और देखो आप सब जानते हैं कि सूरी नाम कौन है, सूरी नाम के जो है ना, सूरी नाम के बच्चों जो राष्ट्रपति थे, सेंटोकी, क्या नाम था, सेंटोकी की बात करें, ये क्या थे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए थे। क्या थे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर ये आए थे, ठीक है। विशिष्ट अतिथि कौन था, तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन आया था, तो याद रखना सेंटोकी, जो कि कहां थे, सूरी नाम के थे। और आप सब जानते हैं गुयाना, मुख्य अतिथि कौन था, तो गुयाना के राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, ठीक है। जो गुयाना के क्या थे, राष्ट्रपति थे, ये क्या थे, मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। क्या नाम था बता देना, ठीक है, इनका क्या नाम था आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक कुटुंब, ये बिल्कुल इसकी थीम रखी गई थी। मोहम्मद इरफान, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, मोहम्मद इरफान अली, क्या नाम था, मोहम्मद इरफान अली जो थे ये क्या थे, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम था इनका, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। क्या नाम था, मोहम्मद इरफान अली इनका नाम था। और याद रखना ये क्या थे, मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, क्या था ये किस मतलब क्या बुलाया गया था उनको, मुख्य अतिथि के तौर पर, ठीक है। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली थे, और सेंटोकी क्या थे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर ये बुलाए गए थे। आइए बढ़ते अगले पॉइंट पर।
और सभी जानते हैं कि क्या हुआ भोपाल में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, ठीक है, भोपाल में क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम पांचवा आयोजित किया गया। अभी इस पर चर्चा करेंगे आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश में बच्चों 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, कब से कब तक, तो 15 से 17 फरवरी, ठीक है, 15 से 17 फरवरी के बीच में किस देश में जो हिंदी दिवस है मनाया जाएगा, नोट कर लेना, एमपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ये 5-स्टार क्वेश्चन लगा लेना, एमपीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होगा। और इन केस अगर मान लो अभी पटवारी का पेपर नहीं बना होगा तो पटवारी के पेपर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, पटवारी के पेपर में ये पूछा जा सकता है, अगर पटवारी का पेपर अभी नहीं पर कंप्लीट हुआ होगा तब, ठीक है, उस केस में ये पूछा जा सकता है। बताओ भाई क्या लगता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, नोट करिएगा, ठीक है, इसका क्या होगा, फिजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो फिजी में बच्चों क्या होगा, तो याद रखना ये 12वां, कौन से नंबर का है ये, तो याद रखना 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहां पर हो रहा है, तो फिजी के अंदर हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां हो रहा है, फिजी, फिजी की राजधानी का नाम क्या, सुवा, ठीक है, फिजी की राजधानी बच्चों क्या, सुवा इसकी राजधानी का नाम है, और यहां पर क्या है, ये हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहला देखो पहली बार ये कब शुरू किया गया था, जो है ना हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार 1975 में की गई थी, कब, 1975 में की गई थी, और पहली बार ये कहां हुआ था, महाराष्ट्र के बच्चों नागपुर में, ठीक है, पहली बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन पहली बार किया गया था, ठीक है, तब किया गया था, तो महाराष्ट्र में बच्चों पहली बार इसका आयोजन 1975 में किया गया था, ठीक है, कब, 1975 के दौरान किया गया था, ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवां खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, पांचवां जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है जो कि भोपाल में आयोजित किया गया, भोपाल के अलावा 8 शहरों में, कितने शहरों में, 8 शहरों में मध्य प्रदेश के ये आयोजित किया गया, ठीक है, 8 शहरों में, तो ये 8 शहर कौन कौन से, तो आप सब जानते हैं भोपाल, ठीक है, क्या होगा, भोपाल, इंदौर, ठीक है, भोपाल, इंदौर, मंडला, खरगोन, मंडला, खरगोन, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, उज्जैन, जबलपुर, उज्जैन, जबलपुर, ठीक है, लिख लीजिएगा कौन होगा, उज्जैन, जबलपुर, इसमें कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है, जबलपुर अपना हो गया ना सागर, ठीक है, ठीक है, निक लिख लीजिएगा, इसमें कौन सा, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर लिख लीजिएगा, कौन सा, ग्वालियर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ग्वालियर लिखिएगा, ठीक है, एक शहर और कौन सा रह जा रहा है इसमें, ठीक है, एक शहर कोई सा रह जा रहा है ना, तो ये बच्चों वो शहर है जहां पर कि क्या आयोजित किया गया था, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम 8 शहरों में आयोजित किया गया, ठीक है, 8 शहरों में ये आयोजित किया गया, ठीक है, चलिए बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, एक शहर अभी और को ना, एक तो रह जा रहा कोई ना, 3 और कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 हुआ ना, 1 और 8 कोई 8वां शहर कौन सा था, ठीक है, एक बार बताइएगा 8वां शहर कौन सा था, एक रह जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या था, याद रखना इनका आयोजन किया गया, ठीक है, याद रखना, ये कहां पर कितने गोल्ड जीते मध्य प्रदेश ने, 39, ठीक है, गोल्ड मध्य प्रदेश ने कितने जीते हैं, तो पूछा गया कि मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड जीते हैं, स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, ठीक है, तो स्वर्ण पदक बच्चों याद रखना मध्य प्रदेश ने 39 जीते हैं, ठीक है, और 30 इन्होंने क्या जीते हैं, तो याद रखना सिल्वर मेडल, ठीक है, 30 इन्होंने क्या जीते हैं, तो याद रखना सिल्वर मेडल 30 जीते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक मध्य प्रदेश ने 30 जीते हैं, और 27 क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मध्य प्रदेश ने कितने जीते हैं, तो ये कांस्य पदक कहा जाता है, क्या जीता कहा जाता है, कांस्य पदक बच्चों, और कांस्य पदक मध्य प्रदेश ने कितने जीते हैं, तो याद रखना 27 जो है ना मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है, 27 क्या जीते हैं, मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीते हैं, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल पदकों की संख्या कितनी हो जाती है, 96, ठीक है, 96, और सबसे ज्यादा किसने, याद रखा महाराष्ट्र ने, पहले स्थान पर कौन था, मैंने कल ही आपको बताया है कि स्वर्ण, सॉरी टोटल पदकों में सबसे ज्यादा किसने, 161 पदक सर्वाधिक किसने जीते हैं, तो याद रखा 161 पदक सर्वाधिक किसने जीता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र ने पहले स्थान पर रहा, और दूसरे स्थान पर कौन था, हरियाणा, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन था, तो हरियाणा यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा, सेकंड प्लेस पर हरियाणा रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो आपसे पूछे, अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा भी जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए हैं ना मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने,
मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए हैं ये हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें मध्य प्रदेश ने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, इन खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश पदक तालिका में कहां पर है? पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम के, है ना, मेडल टैली में कहां पर है? तीसरे स्थान पर है। अदरवाइज आज तक कभी आया ही नहीं तीसरे स्थान पर, हमेशा कहां रहा? तो ये मतलब कि सातवें आठवें छठवें ऐसे प्लेस पर रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आया है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो, ठीक है, आइए बढ़ते अगले पॉइंट पे। हाल ही में किस जिले के बदनावर के छायन में, बदनावर, बदनावर बच्चों जगह का नाम है, ठीक है, बदनावर ये जगह का नाम है, बदनावर एक्चुअली तहसील का नाम है, इसके छायन, छायन ये गांव का नाम है, छायन क्या गांव का नाम है, कपड़ा फैक्ट्री का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बताइएगा हाल ही में किस जिले के बदनावर में, कहां पर, किस जिले के बदनावर के छायन में कपड़ा फैक्ट्री, है ना, कपड़ा फैक्ट्री का सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया है। बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है, ये बच्चों किस जिले के अंदर बदनावर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये कहां पर आता है, मध्य प्रदेश के धार जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले की बात करें बच्चों, तो धार जिले में क्या है, बदनावर कहां आता है, मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर आ जाता है। और नोट कर लो यहां पर क्या स्थान, क्या क्या लगाई जाएगी, कपड़ा फैक्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री यहां पर स्थापित की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री। और जैसे कि हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि जो मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला एरिया क्या है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यानी कि रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, यहां पर क्या है, तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक कपास मिल पाता है और यहां पर कपड़ा उद्योग के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, क्या, कपड़ा उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, धार जिला होगा, जहां की बदनावर में, कहां पर, बदनावर, ये बदनावर है ना, बदनावर क्या है, तो यादव तहसील का नाम है, यहाँ पर ये कपड़ा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी धार का क्या है, पीथमपुर, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, अब धार जिले में ये कहां पर, तो बच्चों पीथमपुर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और मांडू, यहीं का मांडू है, जिसे हम लोग क्या, सॉरी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, मांडू को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद नगरी, ठीक है, क्या बोलते हैं मांडू को, आनंद नगरी कहा जाता है। और याद रखना इसी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि किलों का शहर, ठीक है, किलों का शहर किसे कहा जाता है, तो किलों का शहर बच्चों याद रखना ये आपका मांडू को कहा जाता है, किलों का शहर कहा जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ कपड़े की फैक्ट्री, अच्छा नेहा चौहान आप उसी साइड से हैं, चलो अच्छा है, आप वहां से हो गए तो आपको पता होगा, ठीक है, चलिए आइए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है, खोला जाएगा, बताइएगा मध्य प्रदेश में जो आवासीय विद्यालय है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आवासीय विद्यालय है बच्चों, रेसिडेंशियल स्कूल क्या है, कि द सेकेंड रेसिडेंशियल संस्कृत स्कूल ऑफ द मध्य प्रदेश, ये कहां पर ओपन किया जा रहा है, ठीक है, बताइएगा कहां पर ओपन किया जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, जितने बच्चे हमारे साथ यहां पे लाइव हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे और बताइएगा, ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहां पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो, मध्य प्रदेश का जो दूसरा संस्कृत स्कूल है ये कहां पर खोला जा रहा है, ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, पहला ये आवास, ठीक है, क्या है, आवासीय विद्यालय है, ठीक है, आवासीय विद्यालय है, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, रतलाम, आइए देखते हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, रतलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रतलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्या होगा, रतलाम में आवासीय विद्यालय कहां पर ओपन किया जा रहा है, रतलाम के अंदर, ठीक है, और यहां पर 500 बच्चे, इस विद्यालय में कितने बच्चे रह सकते हैं, 500 बच्चों के लिए, ठीक है, 500 बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था होगी, कितने बच्चों के लिए, 500 बच्चों के लिए यहां पर रहने खाने की व्यवस्था होगी, कहां पर, रतलाम जिले के अंदर, ठीक है, कहां पर, रतलाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। और पहला, अब देखो यहां पर तो दूसरा नाम दिया है, दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय, ठीक है, ये सेकंड रेसिडेंशियल संस्कृत स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर है, तो पहली कहां थी बच्चों याद रखना, जो पहला ओपन किया गया था ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, कहां पर, मध्य प्रदेश के डिंडोरी की बात करें, जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, मंडला से अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था, मंडला से अलग होकर के 98 में, ठीक है, 1998 में डिंडोरी कब जिला बना था, तो डिंडोरी 1998 में जिला बनाया गया था, किससे अलग हुआ था, ये जबलपुर से अलग होकर के, सॉरी मंडला से अलग हुआ, किससे, मंडला से अलग होकर के डिंडोरी को 98 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था।
और यहां पर पहला क्या है संस्कृत, यहां पर रेसिडेंशियल स्कूल स्थापित किया गया था डिंडोरी में, ठीक है। और यहीं पर बच्चों क्या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ नेशनल पार्क। और घुघुआ को हमको क्या बुलाते हैं फॉसिल, ठीक है, घुघुआ को हम क्या बुलाते हैं फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, या फिर इसी को जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं जीवाश्म नेशनल पार्क भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तीन अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर आ जाए, तो याद रखना यहाँ पर ये संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। और दूसरा सैनिक स्कूल देखो मध्य प्रदेश के बच्चों याद रखना भिंड में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भिंड में दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है, ठीक है। दूसरा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ प्रस्तावित है, तो ये भिंड में प्रस्तावित है, नोट करेंगे, ठीक है। कहाँ पर प्रस्तावित है सैनिक स्कूल, ये भिंड में प्रस्तावित है। और पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है मध्य प्रदेश का, तो पहला सैनिक स्कूल जो मध्य प्रदेश का है ये कहाँ ओपन है, ये रीवा में, कहाँ पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और ये 1962 में स्थापित किया गया था, कब 1962 में, याद रखना मध्य प्रदेश के रीवा में बच्चों ये स्थापित किया गया था सैनिक स्कूल। आइए बढ़ते अगले पॉइंट पर, ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस जिले से आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत है ये कहां से की गई है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चों लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको भू आवंटन किया है, ठीक है, भू आवंटन मतलब उनको जमीन दी है, ठीक है। बताइएगा कहां से आवंटन किया है, ठीक है, कहां से ये आवंटन किया। चलो भाई सभी बच्चे क्लास को शेयर करिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जो भू आवंटन ये किया गया है कहां से किया गया शुरू, ए टीकमगढ़, ओके, एक बच्चे बोल रहे टीकमगढ़ हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और कोई बताना चाहेगा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अभी मैंने करवाया भी था इसको, मैंने करवाया भी था पहले भी करवाया था, ठीक है, ध्यान रखना ये करवाया था मैंने पहले भी, जब इसकी चर्चा चल रही थी तब भी मैंने अपने जो क्लासेस चलती है प्रॉपर उसमें हमने करवाया था टीकमगढ़ से, ठीक है। और 600 स्क्वायर फीट का, कितने का 600 स्क्वायर फीट की बात करें बच्चों, है ना, 600 स्क्वायर फीट की बात कर लेते हैं, तो याद रखना यहाँ पर इतना इनको ये भूखंड दिया जाएगा, कितने का 600 स्क्वायर फीट का बच्चों, याद रखना यहाँ पर ये क्या होगा यानी कि 600 वर्ग फुट, ठीक है, 600 वर्ग फुट का क्या होगा ये प्लॉट इनको दिया जाएगा, गरीबों को, किसको दिया जाएगा, जो गरीब है जिनके पास जमीन नहीं है इनको घर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, तो गरीबों के लिए दिया जाएगा, जो जमीन सरकार की है सरकार इनको आवंटित करेगी। और याद रहा इनको क्या बनाने के लिए, तो याद रहा मकान आवास बनाने के लिए, क्या होगा आवास बनाने के लिए, याद रखना आवास यानी कि घर बनाने के लिए इनको ये भूखंड अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, ये भूखंड इनको अलॉट किए जाएंगे। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है, टीकमगढ़ जिले से की गई है, कहां से टीकमगढ़ जिले से की गई, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहां से टीकमगढ़ से की गई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर में जमीन सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। जमीन सिंचाई मतलब कहने का कि 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार का क्या लक्ष्य है कि जो किसानों की खेती है, ठीक है, किसानों की जो खेती है उस तक सिंचित किया जाएगा, सिंचित मतलब वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा जिससे कि मतलब किसानों के खेतों को प्रॉपर पानी उपलब्ध हो सके, फसल का पैदावार हो सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, तो इसका क्या लक्ष्य रखा गया है। देखिए तो बच्चों इसका टारगेट क्या है, 2025 क्या बोला गया, वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर में ये जमीन सिंचाई के लिए, तो याद रखो 65 लाख, क्या हो जाएगा 65 लाख हेक्टेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना होगा 65 लाख हेक्टेयर बच्चों, नोट करना, ठीक है, कितना होगा 65 लाख हेक्टेयर में, कितने में 65 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 65 लाख हेक्टेयर में बच्चों, याद रखिएगा ये पानी कहां पर पहुंचाया जाएगा, 65 लाख हेक्टेयर में ये पानी पहुंचाया जाएगा, कब तक 2025 तक किसानों के खेतों तक, ठीक है। और अभी कितना है अगर आपसे पूछे 2022 में, अभी तक कितने में सिंचाई की जा रही किसानों के खेतों तक, ठीक है, कितने लाख हेक्टेयर में जमीन सिंचाई का लक्ष्य है, तो बच्चों अभी 2022 में 45 लाख हेक्टेयर है, कितना है 2022 में, याद रखना आज के वर्तमान डेटा की बात करूं तो वर्तमान जो आंकड़ा कहता है वो कितना है 45 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा है मध्य प्रदेश के जो किसानों के खेत हैं, ठीक है, किसानों के खेत हैं। और अगले तीन वर्ष में, तीन वर्ष यानी कि 2022 से क्या होगा लक्ष्य क्या रखा गया 2025 के, तीन साल ही तो होगा ना, 22 से तीन कितना होगा 25 हो जाएगा, तो 2025 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो नोट करिएगा 65 लाख हेक्टेयर रखा गया, कितना 65 लाख हेक्टेयर यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान किस विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। व्यसन मुक्त मतलब कि जो लोग, जो आजकल के युवा जनरेशन, ठीक है, जो आजकल की हमारी युवा जनरेशन है, जो हमारी यूथ है,
ये कुछ भी मतलब गलत तरीका अपना लेती है या फिर व्यसन करना शुरू कर देती है। तो बताओ भाई, ये जो व्यसन को रोकने के लिए, व्यसन मतलब समझ रहे हैं ना कि गलत अनैतिक गतिविधियों में या फिर किसी तरीके से देखा धूम्रपान या फिर इन सभी चीजों में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसके बचने के लिए बताइएगा मध्य प्रदेश में किसने ये शुरू किया है, ठीक है, ये किसने शुरू किया है। तो बच्चों याद रखना, प्रजापिता, क्या नाम है, प्रजापिता जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, क्या शुरू किया है, मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश, ये अभियान की शुरुआत की, क्या इस अभियान की शुरुआत की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, मध्य प्रदेश का नोट करना, ठीक है, पहला ये विश्वविद्यालय कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, कब बनाया गया था, 1946 में बना था, कहाँ पर ये है, सागर में, ठीक है, कहाँ पर है ये, सागर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीवाजी बच्चों कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है, जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर जीवाजी विश्वविद्यालय नोट करना। जीवाजी किस ईयर में बनाया गया था बताइएगा, ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ये बताइएगा कि जीवाजी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है, क्यों कब की गई थी। और बच्चों मध्य भारत आप सब जानते हैं ना, आपने सुना होगा जीवाजी राव सिंधिया का, ठीक है, तो जीवाजी राव जो सिंधिया थे ना, जीवाजी राव सिंधिया ये मध्य भारत के पहले क्या थे, मध्य भारत के पहले प्रमुख थे, याद रखना, ठीक है, मध्य भारत जब गठित किया गया था ना, मध्य भारत आप जानते हैं ना, मध्य भारत कि मध्य भारत वाला भाग कौन था, तो जो पश्चिमी सॉरी उत्तरी मध्य प्रदेश था, ये क्या था, मध्य प्रदेश, जो उत्तरी मध्य प्रदेश था बच्चों याद रखिएगा, है ना, याद रखना, ये उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कौन था, तो यहाँ पे मध्य भारत वाला क्षेत्र हुआ करता था, उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, जो स्पेशली जो ग्वालियर भिंड मुरैना दतिया सब कहाँ आते थे, उत्तर, है ना, मध्य भारत में आते थे। तो जो मध्य भारत है इसके प्रमुख कौन थे, तो याद रखना इसके राज्य प्रमुख कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया थे 1947 के दौरान, कब, 1947 में। तो इन्हीं के नाम से जो विश्वविद्यालय बना ग्वालियर में बना है, बताइएगा ये ग्वालियर में जीवाजी कब बनाया गया था, ठीक है, जीवाजी ग्वालियर में कब बना था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, बताओ भाई हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा आयोग का, है ना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जो दिनेश कुमार शुक्ला जी है, क्या नाम इनका है, दिनेश कुमार शुक्ला, बच्चों ये मध्य प्रदेश के किस जिले से है जिन्हें के परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, जबलपुर, क्या हो जाएगा, जबलपुर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कहाँ के थे बच्चों, याद रखना ये जबलपुर के हैं, दिनेश कुमार शुक्ला जी ये कहाँ के, तो याद रखना ये जबलपुर के रहने वाले हैं, नोट करिएगा, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, जबलपुर के रहने वाले कौन है, तो याद रखना दिनेश कुमार शुक्ला जी ये जबलपुर के रहने वाले हैं, और इन्हें चेयरमैन किसका बनाएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए इनको बनाएगा, कितने साल के लिए, याद रखिएगा इनको 3 वर्ष के लिए इनको अध्यक्ष बनाएगा, किसका, तो याद रखना इस रेगुलेटरी बोर्ड का, ठीक है, इस रेगुलेटरी बोर्ड का जो अध्यक्ष है इनको कितने दिन के लिए बनाया गया, 3 साल के लिए बनाया गया, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट पर, आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ई विवेचना की बात करें बच्चों की, आप जानते हैं जैसे मतलब की डिजिटल मोड में, ठीक है, डिजिटल मोड में हम क्या करते हैं, कोई भी जानकारी होती है, जैसे अगर हम संबंध देना हुआ या कोई पैरवी होती है उसकी इंफॉर्मेशन देना हुआ, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की पुलिस रिपोर्टिंग होती है, तो ये जो ई विवेचना एप्लीकेशन है, ठीक है, ई विवेचना एप्लीकेशन है, इसे कौन सा सम्मान मिला है, ठीक है, नेशनल डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा सम्मान दिया गया, बताओ भाई, ठीक है, इसे कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है, चलिए बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर, ठीक है, ई विवेचना ऐप को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है, क्या मिला इसको, कौन सा स्थान, बहुत बढ़िया, प्रथम स्थान, एक्सेलेंट, क्या मिला है, पहला स्थान मिला है, ठीक है, ध्यान रखना, और इनको ये प्लेटिनम अवार्ड दिया गया, कौन सा प्लेटिनम, कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो बच्चों याद रखना इनको प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार मिला है, प्लेटिनम पुरस्कार इनको ये प्रदान किया गया, नोट करिएगा, ठीक है, प्लेटिनम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया, प्लेटिनम पुरस्कार इनको ये दिया गया, ठीक है, पहला पुरस्कार, ठीक है, कौन सा नंबर का ये पहला पुरस्कार, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला पुरस्कार है। आइए देखें यहाँ पर देखा जाए तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि देखिए आप लोगों के पटवारी के लिए बच्चों एकलव्य बैच हमारा है, और नर्मदा बैच जो है जेल प्रहरी वन रक्षक क्षेत्र रक्षक के लिए है, मेघदूत स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट के लिए क्या ये बैच है, और ये तीनों बैच आपके 499 के, कितने के हैं,
499 के बच्चों, ये तीनों बैचेस आपके यहाँ पर है ना, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, तीनों बैचेस आपके यहाँ पर है 499 के हैं। एग्जाम 75 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, एग्जाम 75 कोड इस्तेमाल करेंगे 75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और कालिदास बैच क्या है, जो कालिदास बैच एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए, ठीक है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम देना चाहते हैं इनके लिए क्या है, कालिदास बैच है, और ये 999 रुपए का, कितने का है, 999 रुपए का है। तो आप लोग यहां पर एग्जाम 75 कोड इस्तेमाल करिएगा और आपको क्या मिलेगा, 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कितने का, 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी की शुरुआत की गई है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, चलिए बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बच्चों किस शहर में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी की शुरुआत की गई है, ठीक है, बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर। जितने बच्चे लाइव है बताओ भाई जल्दी से, और एक बार सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और बताइएगा कि मध्य प्रदेश में ये कहां पर शुरू की गई है, ठीक है, और देश की पहली है। सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, सभी को बताइए क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट करना, भोपाल हो जाएगा, ठीक है, कहां, भोपाल। तो भोपाल के बच्चों हमीदिया, कहां पर, भोपाल के हमीदिया से याद रखिएगा ये फार्मेसी की शुरुआत की गई, कहां से, तो याद रखना होम्योपैथी जो फार्मेसी है ना, इसकी शुरुआत कहां पर की गई, भोपाल, भोपाल के हमीदिया से शुरू की गई, ध्यान रखिएगा, कहां पर, भोपाल के हमीदिया से शुरू की गई, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अगले पॉइंट पर, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर किस स्थान पर है, ठीक है, स्टार्टअप के मामले में, ठीक है, स्टार्टअप कहां पर है, स्टार्टअप के मामले में बच्चों मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये कौन से स्थान पर है, ठीक है, स्टार्टअप के मामले में, ठीक है, स्टार्टअप मतलब समझो कोई नया बिजनेस शुरू करना, ठीक है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना और उसके लिए रजिस्ट्रेशन या फिर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना, बताइएगा इस मामले में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश बच्चों बताइएगा इनमें से, मध्य प्रदेश की बात करें है ना, तो इनमें से इंदौर का कौन सा स्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा स्थान है, 14th, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, 14th प्लेस हो जाएगा, सुपर एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमपी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन सा, तो याद रखो 14th प्लेस। बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो कितने रजिस्टर्ड है, 2500, कितने, 2500 के लगभग स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप है, तो याद रखना 2500 स्टार्टअप जो है ना ये मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, कितने स्टार्टअप है यहाँ पे, 2500 स्टार्टअप जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर ये रजिस्टर्ड हैं, ध्यान रखिएगा कितने, 2500 के लगभग स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और भोपाल कौन से नंबर पर है, भोपाल 29वें नंबर पर है, ठीक है, भोपाल कौन से स्थान पर है, तो भोपाल नोट करिएगा 29th प्लेस पर कौन है, तो भोपाल है, ठीक है, 29th प्लेस पर कौन है, तो भोपाल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 29वें स्थान पर कौन है, भोपाल है। आइए अगले पॉइंट की तरफ देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया, ठीक है, यातायात जो उन्नत प्रबंधन प्रणाली बच्चों किसके द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया, क्या लगता है बताइएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर फॉर्म में है, इनको भी हम लोग कवर करेंगे फटाफट, चलिए चलिए बताइएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है सभी बच्चे आंसर करेंगे और बताइएगा, ठीक है, उन्नत यातायात जो प्रणाली सिस्टम है ये किसने लॉन्च, इसको हम बताएंगे, ठीक है, ये बच्चों हम इसको बताएंगे, ये फिर कल की क्लास में करवा देंगे क्योंकि इसमें आज टाइम नहीं मिल पाया कि इसके बारे में बहुत सारी डिटेल कलेक्ट कर पाए, ठीक है, तो याद रखना इसको हम कल चर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो बच्चों याद रखना इसके द्वारा जो उन्नत ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली है ये किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी जी ने, किसने, तो नितिन, याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, तो नितिन, नितिन गडकरी, ठीक है, क्या नाम है, नितिन गडकरी जी ने, नोट करिएगा, ठीक है, जो हमारे देश का सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी है, और इन्होंने ये उन्नत प्रणाली को विकसित मतलब की इनॉग्रेट किया है, इसको अब कहां पर, इसको अपने एयर ट्रैफिक में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ठीक है, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी को हम लोग क्या जानते हैं, एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है, एशियाई विकास बैंक कहते हैं एडीबी को, ठीक है, एडीबी बना कब था बच्चों, 1966 में एडीबी की स्थापना की गई, हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला में, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर, मनीला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है, कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, और इसके हेड वर्तमान में कौन है, मस्त सुगु जी है, क्या नाम है इसके हेड, मस्त सुगु असकावा है, ये किसके हेड है, एडीबी के हेड कौन है, ये जापान के, मस्त सुगु असकावा, बताइएगा इन्होंने जो एडीबी ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए
130 कितने का, 130 मिलियन डॉलर के ऋण की घोषणा किसको दी है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश को। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना यहां पर लिख लीजिएगा किसे दिया है, हिमाचल प्रदेश को 130 मिलियन डॉलर का, ठीक है, 130 मिलियन डॉलर किसे दिया है, हिमाचल प्रदेश को दिया है, नोट करना, ठीक है, किसे, हिमाचल प्रदेश को। बहुत बढ़िया, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं बता देना, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल अभी कल बदल गए, ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल थे ना, राजेंद्र आर्लेकर थे, पहले कौन थे, राजेंद्र आर्लेकर थे, अब वो बदल गए, ठीक है, हट गए कल, उनको अलग बना, दूसरे राज्य का बना दिया गया। अब बताइएगा यहाँ पर कौन राज्यपाल बना नया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बच्चों मुख्य न्यायाधीश, तो राजेश बिंदल जी को किसे बनाया गया, राजेश बिंदल को बनाया गया, ठीक है, राजेश बिंदल ये क्या बने हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखना, राजेश बिंदल, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाता है, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलो भाई बताएंगे यहां पर क्या बोला कि G20 क्या बोला जा रहा है, देखो कि G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो G20 फूड फेस्टिवल बच्चों इसका आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया, कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, नोट करना, ठीक है, G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पर, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, और इसी में क्या होगा, दिल्ली में ही ध्यान रखना शॉपिंग फेस्टिवल, ठीक है, शॉपिंग फेस्टिवल बच्चों ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो शॉपिंग फेस्टिवल याद रखना 2023, ठीक है, शॉपिंग फेस्टिवल 2023 याद रखना, ये दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा, कहां पर, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, याद रखना ये बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, यूपी के बड़े गद्दावर नेता कहे जाते हैं ये भी शिव प्रताप शुक्ला, और इन्हें हिमाचल का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया। हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का उद्घाटन किया, ठीक है, चलिए राष्ट्रीय डाक टिकट जो प्रदर्शनी बच्चों अमृत पेक्स की बात करें, इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, अश्विन वैष्णव जी ने किया, किसने किया है, अश्विन वैष्णव जी ने, नोट करना, ठीक है, अश्विन वैष्णव, क्या नाम इनका है, तो अश्विन वैष्णव बच्चों जो रेल मंत्री हमारे देश के कौन है, अश्विन वैष्णव रेल मंत्री है, इन्होंने क्या किया है, तो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किसने किया, तो याद रखो अश्विन वैष्णव जी ने किया, किसने किया है, अश्विन वैष्णव जी ने किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए भारत, देखो भारत ऑस्ट्रेलिया जापान किस देश और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया बच्चों, अमेरिका, ठीक है, ध्यान, जो क्वाड है ना, क्वाड जो हमारे देश है, ग्रुप है, क्वाड ग्रुप की बात करें, ठीक है, क्या है, क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप में क्वाड का मतलब क्या होता है, चार, ठीक है, क्वाड का मतलब क्या होता है, चार, और चार देशों का बच्चों ये समूह है, कौन कौन से, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका, और इनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है, कौन सी, मालाबार, नोट करिएगा, ठीक है, मालाबार का नाम सुना है, मालाबार सैन्य अभ्यास, क्या है, मालाबार सैन्य अभ्यास, ये चार देशों के साथ होता है, कितने देशों के साथ, चार देशों के साथ मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, नोट करिएगा, तो भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका इन चार देशों के साथ याद रखना ये अभ्यास हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना हुआ, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, कहां पर, तो याद रखना आपके अरब सागर में हुआ था, कहां पर, अरब सागर में ये आयोजित हुआ था, तो बच्चों याद रखना ये चारों देश मिलकर किस क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा में ये सहयोग करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, साइबर सुरक्षा में सहयोग करेंगे, ठीक है, आइए मेटा, मेटा जानते हैं, फेसबुक है, मेटा का मतलब क्या है, पुराना कंपनी क्या थी, फेसबुक थी, है ना, मेटा का मतलब यहाँ पर क्या है, फेसबुक आप समझ लीजिए, है ना, पुराना नाम क्या था, फेसबुक था मेटा का, तो मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, ठीक है, G20 के साथ किसके साथ साझेदारी की है, तो बच्चों ये माइटी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो मंत्रालय भारत सरकार का बच्चों जो ये मंत्रालय है, ठीक है, याद रखना माइटी करके जो क्या है, भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, इनके साथ मिलकर के G20 क्षेत्र में क्या है, G20 अभियान के लिए याद रखना मेटा ने सहयोग की घोषणा की, किसने, मेटा ने एक अभियान चलाया G20 को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इसकी PDF आप लोगों को कहां पर मिलेगी, देखो इसकी PDF बच्चों आपको कहां मिलेगी, MP एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, MP एग्जामपुर ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, और डेली सारी क्लासेस की जो PDF होती है MP एग्जामपुर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जस्ट वन मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अभी आपको ओपन करके बताता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको एक सेकंड ओपन करके बता दूंगा ये कहां पर आपको मिल पाएगी, ठीक है, ये कहां पर आपको मिल पाएगी, जस्ट वन मिनट, ठीक है,
अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर मिल पाएगी। जब आप एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर जाओगे ना, एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर जाओगे, जैसे देखो ये क्लास हमारी लाइव चल रही है, ठीक है बच्चों, ये क्लास हमारी क्या है, लाइव चल रही है, ठीक है। अगली क्लास केमिस्ट्री की रहेगी, ठीक है, अगली क्लास किसकी, केमिस्ट्री। तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो टेलीग्राम पहला यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर मोटे मोटे बड़े शब्दों में आपको देखने को मिल जाएगा, एमपी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। क्या लिखा है, एमपी टेलीग्राम चैनल को जरूर, अरे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, है ना। अभी हम लोगों ने कुछ दिन से बंद कर दिया था, क्यों बंद कर दिया था, कि कई सारे कोचिंग संस्थान जो मध्य प्रदेश के थे ना, वो हमारा कंटेंट हूबहू सेम का सेम क्या करते थे, एग्जामपुर हटा करके अपना बेच रहे थे वो लोग, ठीक है, वो अपने कोचिंग में चला रहे थे, अपने कोचिंग का लोगो और सब कुछ लगाकर वो बेच रहे थे। वो तो किसी बच्चे ने बता दिया तो पकड़ में आ गया कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं। तो हमने अभी थोड़ा कंटेंट देना बंद कर दिया था कुछ दिनों से, लेकिन उनको समझाया बुझाया है, फिर से दोबारा हम आपको कंटेंट देना शुरू कर रहे हैं। अब आपको मिल जाएगा, ठीक है, अब आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप जाकर के ये फिर आप ले सकते हैं। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, तो याद रखना एमपी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप जैसे ज्वाइन करोगे, देखो इसको आप क्लिक करोगे, इस लिंक को क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखो ये आ गया ना, 800 बच्चे यहाँ पर कितने हैं, 800 के लगभग बच्चे इसको ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, 800 बच्चे के लगभग। तो आप जाकर के यहाँ पे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, 806 के लगभग इसमें बच्चे हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये एमपी एग्जामपुर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसमें 800 के लगभग बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत फर्जीवाड़ा, लोग आजकल बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और मिलते हैं फिर आपको हम लोग, मैं मिलता हूँ फिर अगले सेशन में, ठीक है, एक नए सेशन में। अपना ध्यान रखेंगे और डेली सुबह 8 बजे आप लोग जुड़ा करिए, ढेर सारा करंट अफेयर्स आप लोगों को लेकर आता हूँ। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।